उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अरुणा तायाल हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एसपी देहात ने बताया कि 21 अगस्त को पुराना बाजार में सरकारी राशन डीलर की दुकान के पास एक महिला का शव बिछाने में लिपटा हुआ मिला था, जो 21 अगस्त से लापता थी। वहीं पुलिस ने तीनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलंदशहर से उदय यादव, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। बातचीत से तो पूछताछ में पता चला कि इनका बेटा जो योगेश दायर है, ये माँ से खुश नहीं रहता थी। इसकी शिकायत थी कि माँ अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बहन को देना चाहती, जबकि ये है माँ की प्रॉपर्टी को खुद अपने नाम कराना चाहता था। इसी से तो भय था कि कहीं अब माँ अपनी प्रॉपर्टी बेटी को ना दे दी, इसीलिए इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया।